था उस पर कोई काम नहीं होते वहाँ पे। अच्छा, बड़े काम नहीं करते, बड़े काम नहीं आते नहीं। कहाँ की गाड़ी है भैया? गुजरात की। गुजरात से? वहाँ मिस्त्री नहीं थे? ना आया हूँ मिस्त्री। वहाँ मिस्त्री नहीं है गुजरात में? भाई साहब उसमें कोई काम नहीं होता वहाँ। अच्छा, बड़े काम नहीं करते, बड़े काम नहीं आते नहीं। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों मैं तुम्हारा भाई सुखविंदर सिंह सगू मुजफ्फरनगर से। आइए गाड़ी गुजरात से दोस्तों, अपना आइजर कंपनी की दोस्तों खोल लिया गया इसका हाइड्रोलिक पंप। दोस्तों आपने देखा है वीडियो में स्टार्टिंग में ही, जो कि ड्राइवर क्या कह रहा है आपके सामने दोबारा से बात करते हैं इसके बारे में। तो स्टेयरिंग जो है आपका ज़्यादा टाइट कट रहा है? हाँ, ज़्यादा टाइट कट रहा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा कंडक्टर टाइट। अच्छा, तो रेस देखिए हल्का होता है ना? और को है नहीं होता, इधर देख के बात कीजिए ना। वाल को बिल्कुल नहीं होता। भाषा कौन सी बोल रहे हो? भाषा मेवाती है। मेवाती? मेवाती। हिंदी नहीं आती? अरे हिंदी है भाई साहब हमारे साथ। अच्छा हिंदी है। हाँ। और गुजराती आती है ना? हो गुजरात। तो दोस्तों ये गाड़ी आई है गुजरात से और कस्टमर भी गुजरात का ही है। दोस्तों यहाँ पर आती हैं कई गाड़ियाँ दोस्तों, तो ये गाड़ी जो इसमें कमी थी स्टेयरिंग की प्रॉब्लम थी, जो कि इन्होंने कहा कि वहीं मुजफ्फरनगर में कराना ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर, जो कि टर्बो हाइड्रोलिक के नाम से ये सभी भाई जानते हैं और सग्गू भाई के नाम से आप मुझे सब जानते ही जाते हैं। वो तो हम खोल देंगे इसकी कटाई स्टेयरिंग से, क्योंकि स्टेयरिंग में कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। हाइड्रोलिक पंप का जो है बार प्रेशर जो है वो डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से दोस्तों दिक्कत आ रही है। मगर दोस्तों इसमें बहुत ही एक अलग बात हो गई काम करते हुए खोलते हुए, जो कि वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। दोस्तों मैं आपको बने रहेंगे वीडियो के साथ, पूरी बात करेंगे दोस्तों, आपके सामने है सब कुछ, जो कि खोलेंगे इस पंप को और पंप खोलने के बाद आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या कमी है और क्या तमाम इसमें दिक्कतें हैं। और दोस्तों जैसे कि अधिकतर क्या होता है कि हम कहीं ऐसी जगह खुलवा लेते हैं और खुलवाने के बाद क्या करते हैं, स्टीयरिंग भी खोल लेते हैं और इसका पंप भी खोल लेते हैं। स्टीयरिंग की किट ले आओ और स्टीयरिंग का जो सामान ले आओ, स्टीयरिंग का वो ले आओ, जी वो है। मगर दोस्तों इसके अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है गाड़ी के अंदर, सिर्फ इसका जो वैन पंप है, जो कि हाइड्रोलिक पंप भी कहते हैं इसे, कई लोग इसे वैन पंप भी। अगर दोस्तों फ्लो नहीं बनेगा तो फ्लो दिक्कत करेगा स्टीयरिंग की काट करने को, मतलब कटाई हम जैसे करेंगे दोनों तरफ काटेंगे तो, क्योंकि फ्लो होगा नहीं, पड़ली तरफ भी फ्लो नहीं होगा, नीचे की तरफ भी फ्लो नहीं होगा, तो जब हम कटाई करेंगे तो दिक्कत करता है। तो इस बात को शायद किसी ने आपको बताया हो, शायद नहीं भी बताया हो, अगर किसी ने बताया तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ भाई मुझे ये बात का पता है। क्योंकि दोस्तों जो फ्लो होता है वही स्टीयरिंग को जो है आगे मूवमेंट करता है, तभी आपका स्टीयरिंग जो है कट पाता है। ये नहीं है कि मतलब आप सोचते हैं कि भाई हम स्टीयरिंग की जो हाइड्रोलिक का खोल लेंगे, इसके अंदर किट वगैरह डाल देंगे, मगर दोस्तों इसके अंदर फ्लो का जो है मेन मैटर है वो देखना पड़ता है, वो गोलियों के माध्यम से बनता है। और साथ में जो है इसके जो 24 नंबर का वाल लगा हुआ है, इसके द्वारा दोस्तों कंट्रोल होता है। तो दोस्तों आपको मैंने ये दिखाना था कि ये जो गाड़ी थी ये गुजरात से आई हुई थी हमारे पास स्टीयरिंग के चक्कर में, मगर दोस्तों इसमें बाद में पता लगी गाड़ी थी जो वारंटी में थी, और वारंटी के चक्कर में दोस्तों उस कस्टमर ने कह दिया कि भाई ये काम जो है हम कंपनी में कराएंगे, हम ये काम नहीं करा सकते। बाकी दोस्तों फिर उसने कहा कि इसे असेंबल इस तरीके से ही वापस कर दीजिए, जिससे कोई दिक्कत ना आवे, जिससे कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों अब वो क्या करेंगे दोस्तों, तो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो शायद अपना हाइड्रोलिक पंप जो है नया लेंगे कंपनी से, जो कि कंपनी वाले अब देखो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो नया देते हैं, बाकी है इसमें कार्टेज डाल के देते हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादातर तो कार्टेज ही डलती है, मगर आइशर कंपनी का है दोस्तों ज़्यादातर तो मेरे पास ही आता है, इसमें वो कार्टेज डलवा के और अपना वो एक्सपेंसिव जो होते हैं वो कंपनी के ऊपर आ जाते हैं सारे, तो वारंटी वाला जो है वो फ्री में हो जाता है एक तरीके से कस्टमर के लिए। बाकी देखो दोस्तों अब तो कस्टमर वहाँ जाएगा, वहाँ कंपनी में बात करेगा, उसके बाद जाके उसका जो कोई सोल्यूशन वगैरह होगा, क्योंकि कंपनी की जो वारंटी है वो सिस्टम पे ही पता लग पाएगी, और जो मालिक ने बताया कि गाड़ी वारंटी में है इस चीज़ का खुलासा जो है दोस्तों वो तो वहीं जाकर और कंपनी में ही सिस्टम पे जाके पता लगेगा। तो दोस्तों आपको मैंने ये टोटल वीडियो दिखाई है, देखिए आपने कैसे लगी है, जरूर इन्फॉर्मेशन भी दिया मैंने आपको टोटल ए टू जेड। बाकी दोस्तों पंप को फिट हो जाने दो और उसके बाद आगे फिट करके गाड़ी में लगा के चेक करते हैं दोस्तों। तो आपको इसमें पता लग गया कि इसमें क्या कमी थी और क्या फॉल्ट था, जो कि हमने ठीक किया दोस्तों। तो इसे फिलहाल जो है ठीक तो करना ही था।
मतलब टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैंने वैसे ही नॉर्मल कर दिया जैसा था, और अब कंपनी में जाऊँगा जाए दिखाएगा और जाके इसकी गाड़ी का स्टीयरिंग है वो वारंटी में चेंज करेंगे, जो भी करते हैं डजंट मैटर। मगर दोस्तों गाड़ी स्पेशल गुजरात से आई थी इस काम को कराने के लिए, आप भी खुद ही सोचिए वो यहाँ माल, मतलब ये नहीं कि खाली वो स्पेशल तेल बुक आई है, ये किसका कोई यहाँ माल था और वो यहाँ खाली करा उसने, मुझे कॉन्टैक्ट करा यूट्यूब नंबर से और मैंने उसके हाइड्रोलिक पंप को खोला और चेक करा, और चेक करने के बाद जो मतलब आपके सामने है सारी बात, तो उसके बाद कस्टमर जो है गाड़ी को जो कंपनी में लेके जाएगा, आईसीयू कंपनी में जो भी वारंटी में चेंज होगी। और दोस्तों जहाँ तक मुझे उम्मीद है आईसीयू कंपनी वाले वो मेरे पास ही भेजेंगे टाइम की अकॉर्डिंग बात है, वो देखेंगे क्या होता है। वैसे तो सर्विस सेंटर में जाएगा राणे में, क्योंकि राणे सर्विस सेंटर हमारे यहाँ से बहुत दूर है, उसमें टाइम लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, भविष्य में अगर आपको ऐसे वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय दोस्तों।